तो राम राम दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूँ मंगलवासी हर्षित, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल माटी प्लेस पे। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक नई क्यूब क्राफ्ट स्काई ब्लॉक की सीरीज़ की एक और नई वीडियो, और ये है उस सीरीज़ का एपिसोड 3। तो लास्ट टाइम हमने अपने स्काई ब्लॉक में कुछ ज़्यादा खास नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो जो है मैंने कम किया है, मतलब ये जो फार्म है मैंने आधा बनाया था बस। तो मैंने ऑफलाइन इस फार्म को पूरा कर दिया, और ये जो आपको पीछे ये पेड़ों का फार्म दिख रहा है इसको मैंने पूरा कर दिया था। तो आज के वीडियो में हम ये कोशिश करने वाले हैं कि हम जो है एक और नया आइलैंड अनलॉक कर लें। इसमें अलग अलग टाइप के आइलैंड होते हैं, तो हम वो अनलॉक कर लें। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी हमारे स्काई ब्लॉक वर्ल्ड में। ओके, और मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो कि मैंने क्या क्या किया था। और इधर आप साइड में देख सकते हो कि है ना, मैंने जो है ये स्काई ब्लॉक कॉइन्स में 282 कॉइन्स कमा लिए। ओके, तो अब हमारा गोल आज का क्या है, हमें आज एक नया आइलैंड अनलॉक करना है। उसके लिए हमें क्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी। तो भाई इनको करने में लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम, तो फटाफट से ना बिना टाइम वेस्ट करें इनको स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेस्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेस्ट फूड फोटो हार्वेस्ट बीट रूट, ये मैंने कर रखा है। बीट रूट सूप क्राफ्ट करना है, तो एक सेकेंड, मेरे पास बोल पड़े हैं, ये मैंने ऑफलाइन बनाए थे। और ऐसे करता हूँ मैं ना, ये बीट रूट जो है इनको उखाड़ देता हूँ पूरा। तो फटाफट से इनको उखाड़ दें। तो गाइस, मैंने खेती बाड़ी कर ली है, और अभी देखता हूँ मेरे पास कितने बीट रूट आ गई। अभी 64 और 16। तो अभी इनका मैं सूप क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये चार तो हो गए, ऐसे करता हूँ, हो गया। चलो भाई फिर तो क्या दिक्कत है। फर्स्ट में इसका प्राइस मिल चुका है हमें, एक वाटर बॉटल। अभी नेक्स्ट क्वेस्ट देखते हैं, जनरेटिंग कोबलस्टोन। जनरेट कोबलस्टोन 20 है, तो दो ही करने बस हो जाएगा, फटाफट से करते हैं। भाई तो शुरू होते खत्म हो गया यार। चलो भाई ये भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेस्ट भैया आपको करेंगे स्पीड रन पूरा। ओके, क्राफ्ट टॉर्चेस 20। अब सबसे पहले टॉर्चेस क्राफ्ट करने के लिए मेरे को चाहिए होगा चार कोल, इतना मेरे पास है नहीं। तो मैं ऐसे करता हूँ, कोल को जो है स्मेल्ट करने के लिए रख लेता हूँ। इतना कोल भी नहीं रखना भाई, थोड़ा सा कम, आई थिंक 9 कोल इनफ होगा। तो फटाफट से जो है मैं इसको में लगा देता हूँ, ये इधर ही इधर। और ये जो जितना मेरे पास चार कोल है ना, इसकी मैं टॉर्चेस बना लेता हूँ। 12 टॉर्चेस तो हो गई, हो भी क्या भाई हम तो शुरू होते खत्म हो गया यार। अरे फिर मैं क्यों चार कोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ भाई, रहन दो भाई, रहन दो। हो भी गई तो बहुत जल्दी हुई यार। वाह भाई अपग्रेड। ओ भाई इसके रिवॉर्ड में देखो गाइस, न्यू आइलैंड प्लेन्स, भाई नया आइलैंड खुल जाएगा। क्राफ्टेड स्टोन एक्स, भाई यार एक सेकेंड, जब मैंने ये चीज़ें पहले कर ली थी। अरे नहीं भाई, हाँ यार ये चीज़ मैंने ऑफलाइन कर ली थी। अरे यार अब मेरे को ये वापस से करनी पड़ेगी। नहीं यार फटाफट से, नहीं तो मैं अपनी इन्वेंट्री सही करता हूँ। तो अभी मेरे को ना ये चाहिए होगा, मेरे को कोबलस्टोन, मेरे को स्टोन के टूल्स क्राफ्ट करने हैं, उसके लिए मेरे को चाहिए होगी। अरे वैसे तो मेरे पास इतनी सारी वुड पड़ी है, तो इसको ही क्यों नहीं कर ले, इसके स्टिक्स बना देते हैं। इतनी इनफ है भाई, कुछ ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसको जल्दी से रखते हैं, हमने पूछना कोबल स्टोन भी कहाँ है। तो फटाफट से मैं कोबल स्टोन की माइनिंग कर लेता हूँ इधर से। यार ऐसे ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो कोबल स्टोन है ना, मेरे बहुत टाइम लगा रहे हैं जनरेट होने में। तो यार ऐसे तो मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक वो मैं ले लेता हूँ जनरेटर, ये तो जनरेटर एक कोबल स्टोन। अरे भाई एक हो जाओ भाई, इतना महंगा, अरे भाई इतना महंगा थोड़ी ना होता यार। मैं गरीब हूँ भाई, एक कोबल स्टोन जनरेटर है, इन लोगों ने बहुत महंगा लगा रखा। चलो भाई अभी इन तीन से काम चलाना पड़ेगा, फटाफट से इनको माइन करते हैं।
तो आई थिंक यार इतना जो है कोबलस्टोन वो इनफ रहेगा। तो सबसे पहले अपन को सारे टूल्स क्राफ्ट करने हैं ना, रुको क्या पता कुछ नहीं करना हो, तो वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट में जाके स्टोन एक्स, पिक एक्स, स्पेड और हो, स्पेड आई थिंक सब लगती है, तो सबसे पहले ये सारे कर लेते हैं, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्स, पिक एक्स, स्पेड, हो गया। चलो भाई फाइनली गाइस हमने जो है अपना प्लेन आइलैंड खो लिया है पूरे के पूरे 3 वीडियोस के बाद। भाई इतना टाइम लगा दिया मैंने। ए न्यू आइलैंड अपीयर्स इन द डिस्टेंस, भाई आसपास वो आएगा यार, उसके लिए ना मेरे को चंक्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ यार ऐसे नई क्वेस्ट आई है ये, भाई पता नहीं क्या क्या है। अब मेरे को इसका कुछ रिवॉर्ड, अरे भाई इतना पूरा आइलैंड दे दिया, वो कोई कम रिवॉर्ड है, मैं एक रिवॉर्ड मांग रहा हूँ। इन सबको इधर कर लेता हूँ यार, चेस्ट कम पड़ गई मेरे लिए, एक सेकेंड रुको। तो अपना लॉन्ग चेस्ट हो चुका है रेडी, और अभी ना मेरे को अपने चंक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो फटाफट से मैं अपने चंक्स बढ़ा के आता हूँ, रेंडर चंक्स। A few moments later. तो अभी मैंने अपने चंक्स फुल कर दी हैं, और मेरे को ना देखना पड़ेगा यार, क्या पता कहीं भी हो सकता है वो, पता नहीं यहाँ हो, पता नहीं यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत ना मेरे को, भाई कैसी आवाज़ आ रही है यार, ये डरा रही है यार ये आवाज़। तो मेरे को ना थोड़ा बहुत थोड़ी देर इधर ऐसे रुकना पड़ेगा, तभी जाकर वो रेंडर होगा। देखते हैं फटाफट अगर ये ठीक है, पता नहीं क्या पता इन पेड़ों के साइड होगा यार, जाके देखना पड़ेगा। पूरे पूरा भाई पूरा दिख गया। चलो ब्रो यार मैंने ना यार ये पेड़ भी गलत जगह लगा दिए, ऐसा करता हूँ एक डर्ट का पाथ बना देता हूँ फटाफट से। डर्ट मेरे पास कितनी है, डर्ट भाई इतनी है यार, कम है, फिर भी देखते हैं थोड़ा बहुत काम हो जाए तो। फटाफट से उधर तक डर्ट का एक पाथ बना देते हैं। तो गाइस थोड़ा थोड़ा जो है आइलैंड दिखना शुरू हो चुका है, तो फटाफट से अभी ब्रिज बनाते हो, फटाफट से चलते हैं। ओ भाई ये क्वेस्ट भी हो गया, वे फेयर, अच्छा इधर जाने की क्वेस्ट है यार। मैं क्यूटक्राफ्ट खेले भी बहुत टाइम हो गया ना, मतलब जब मेरा पहले वाला जो स्काइप ट्रुक था ना, तो मेरे को बहुत टाइम हो गया उसको खेले। अरे यार डर्ट कम पड़ गई, फटाफट चलानी पड़ेगी, फटाफट से चलते हैं। भाई कसम से बता रहा हूँ गिर गया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो यार मैं प्लैंक से चल जाते हैं, प्लैंक से नहीं यार कोबलस्टोन, प्लैंक थोड़े से महंगे पड़ सकते हैं, कोबलस्टोन से चलते हैं। अरे यार अभी ना रात हो रही है और मेरा मन नहीं है रात में जाने का। हाँ मेरे को पता है कि इधर मूव स्पॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी यार, तो ना अभी वैसे तो मेरा स्काई ब्लॉक हब खुला नहीं है, नहीं खुला, अरे खुल गया, अच्छा एक आइलैंड होने के बाद खुल जाता है क्या, ओहो वाह बेटे वाह, भाई सही है यार स्काई ब्लॉक अब खुल गया, बट ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी ना मैं आपको एक क्यूपटर स्काई ब्लॉक का हैक बताता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर आपके वर्ल्ड में जैसे रात हो रही है ना, और अगर आप स्काई ब्लॉक हब या फिर लॉबी में आके वापस अपने वर्ल्ड में चले जाओगे, तो अपने आप सुबह हो जाएगी। देखो एक बार, देखो गाइस अपने आप सुबह हो चुकी है, तो सुबह एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। भाई पटैटो सही है, काओ पटैटो और कुछ अंदर अंदर भी हो सकता है, पेड़ तो सेम ही है वैसे भी, इधर थोड़े फैंसी हैं, इधर ज़्यादा कुछ खास नहीं। ओ भाई भाई एक चीज़ बस हो गई, अब मैं ना उस वाले स्काई ब्लॉक शॉप को डिसमेंटल कर सकता हूँ, क्योंकि अभी एक स्काई ब्लॉक शॉप आ चुकी है, तो भाई इसमें ना अंडरग्राउंड पर गिरना नहीं है, फटाफट से चलते हैं। अरे पड़ ही गया यार इमेज, बस इधर भी है क्या, मैं बाद में टॉर्च बना के लाऊंगा, एक ओवरस्टोन जनरेटर है मुझे पता है, भाई बहुत एक्सपीरियंस है थारे भाई को, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, फटाफट से चलते हैं। और कुछ है ना मेरे को सामान वामान लाना है, इधर का भी पैकअप करना पड़ेगा,
जैसा हाल मैंने उस आइलैंड को किया ना, वही हाल मैं कुछ आइलैंड का कर रही हूँ। तो ना सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस आइलैंड को ना बाद में देखेंगे, मतलब अगले एपिसोड में इस आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी चीज़ें वीजें निकालेंगे इधर से। अभी मेरे को ना उस आइलैंड को सही करना है, क्योंकि इधर मैंने इतने सारे पेड़ लगा दिए भाई, अब मेरा आने जाने का रास्ता ही ख़राब है, बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है मेरा आने जाने का रास्ता। वैसे यार सच्ची में ख़तरनाक है ये, इसको मेरे को सही करना पड़ेगा। दो ब्लॉक का करूँगा मैं इसको, डेट का ही बना दूँगा चाहे तो, बस दो ब्लॉक का बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं इन ट्रीज को चॉप कर देता हूँ ताकि इधर का रास्ता साफ हो जाए। तो गाइस हमने पूरा डिफॉरेस्टेशन कर लिया इधर से, इधर सैपलिंग वैपलिंग भी गिरेगी तो इनको मेरे को पिक करना पड़ेगा। अभी मेरे पास ये लोग है, ये भाई बहुत ज़्यादा हो गए, इनको चेस्ट में स्टोर करते हैं। अरे यार मेरे को ना अपने जो ये ना स्काई ब्लॉक वाली है इसका मेरे को ना डिज़ाइन देखना पड़ेगा। अरे नहीं, अबे नहीं, अरे वाह नहीं यार, अरे नहीं भाई भाई, अरे तू हाँ हाँ करना बंद करेगा। अबे ये क्या हो गया यार, मैं गिर कैसे गया? अबे गलती से यार मैंने ना ये छोड़ा नहीं है जो आगे चलने वाला बटन है यार। यार खैर इतना कुछ घाटा हुआ नहीं, मैं बता देता हूँ, मरने के बाद अपना सामान नहीं जाता। देखो इधर आपको दिख रहा होगा, यू डाइड, लास्ट में देखो एक बार, यू डाइड एंड लॉस्ट 28 कॉइंस, मतलब 10%, मतलब अपने पास जितने भी कॉइंस होंगे ना तो उसका 10% चला जाएगा, मतलब अगर अपने पास ज़्यादा कॉइंस है ना तो ज़्यादा जाएगा, और जीरो एक्सपीरियंस लेवल, जितने भी एक्सपीरियंस लेवल है उसको 20% जाएगा। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो माइनस में तो जा नहीं सकता, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा घाटा नहीं हुआ, 28 कॉइंस हुए हैं बस। बट चलो कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो अभी मेरे को क्या करना था, हाँ अभी मेरे को ना अपने आइलैंड का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था, क्योंकि ये पूरा आइलैंड उबड़ खाबड़ हो रखा है, कहीं क्या है कहीं क्या है, मतलब सिस्टम ही पूरा। एक तो ये भाई ना मेरे को ऐसा और कम करेगा, इसका जो लेवल है ना आइलैंड का ये और कम करेंगे, क्योंकि देखो अब नहीं यार लेवल कम नहीं करेंगे, मैं अंडरग्राउंड मतलब माइनिंग करूँगा, ऐसे करते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग करूँगा मैं इधर से, क्योंकि अपने पास डर्ट कम है तो अपन को नीचे से खोद खोद के डर्ट लैंड करेगी, तो मेरे को अंडरग्राउंड माइनिंग करेगी इसीलिए। तो अभी मैं ना सबसे पहले ऐसे करता हूँ, इसका पहले तो मैं क्वेस्ट का रिवार्ड ले लेता हूँ, 1000 कॉइन्स, ओ भाई साहब, और इनको मैं मिलते ही खर्च करने वाला हूँ। कोबलस्टोन जनरेटर एक हाथ में आ चुका है, यू कांट अफोर्ड दिस, मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ, वही वाली मीम आएगी आगे, अब मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ। तो ये मैंने लगा दिया और इसको इस करता हूँ, इधर लगा देता हूँ, दो ब्लॉक ले लेता हूँ। ओ भाई एप्पल, चलो अबे नहीं यार, एक सैपलिंग मेरे नीचे गिर गई, शिट यार, अबे ये भी गिर गया यार, कुछ तो मिल, अभी कुछ तो मिल यार, नहीं मिल जा, चलो मिल गया, ये मिल जा प्लीज प्लीज मिल जा, अरे नहीं यार तू मिल जा भाई, देख ले मेरा भाई है ना, चलो मिल गया मेरा भाई, एस टी में जब भी तो मिल गया, मान गया मेरी बात, तो इसको मैंने पूरा फिल कर दिया। तो अब फटाफट ना मेरे को इधर से अंदर से, मतलब सबसे पहले तो ऐसे करते यार, इसको डिसमेंटल करता हूँ मैं, अब तो हो जाएगी, अब तो हो गए भाई डिसमेंटल, चलो अब इसको किधर लगाऊँ ये बताओ बस फटाफट से, आप तो क्या ही बताओगे, मेरे को लगानी पड़ेगी, इसको कहाँ लगाता हूँ यार, इसको इधर लगा देता हूँ, ये इधर पहरेदारी करेगा, इधर लगा देता हूँ, क्या पहले भी इधर ही था, अरे इधर नहीं यार, चल कोई नहीं कोई नहीं, वाह एक और क्वेश्चन, पोर्टेबल गुड़, अरे भाई रिवॉर्ड्स देखो भाई इसके,
भाई एक्सपी की बोतल और स्टोन स्टोन का तो मैं क्या ही करूँगा, बट एक्सपी की बोतल ठीक है। तो यार ऐसे करूँगा, वीडियो हो चुकी है लंबी, अब इसको मेरे को काटना पड़ेगा यार, हमेशा मेरे से ये दिक्कत हो जाती है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो की जो ड्यूरेशन है 15 से 10 मिनट के बीच में बने, लेकिन वो हमेशा लंबी खिंच जाती है क्योंकि काम थोड़ा सा लेंदी होता है ना उस चक्कर में। तो ये जो है ना मैं डर्ट को हटाने का काम, ये वैसे बहुत बोरिंग काम है, तो ऐसे करूँगा कि मैं आपको मतलब दिखाऊँगा नहीं, लेकिन मैं इसको ऑफलाइन कर दूँगा। और एक बात मैं फिर से बता देता हूँ कि स्काई ब्लॉक में हम क्रिएटिव यूज़ नहीं कर सकते, तो कोई ये मत कहना कि मैंने क्रिएटिव यूज़ किया है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कई बंदे होते हैं जो करते हैं फिर हेट मिलते फालतू को, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।